स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल दी एमबी वॉटियंस में। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने बोर्ड से कॉपी में स्विच किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दें, कैसा लगा आपको कॉपी पर, और अगर आप चाहते हैं कि हम बोर्ड में कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट टू। ठीक है, आपका हुक्म सराखों पे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का यूज कहाँ पे होता है? फ्यूचर टेंस का यूज होता है नॉर्मली जो चीज फ्यूचर में होने वाली है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की, जिसको हम किस और नाम से जानते हैं, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू डिनोट फ्यूचर टेंस? ठीक है, क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आप फ्यूचर टेंस को डिनोट करते हैं, और अगर आप सिंपल फ्यूचर टेंस से फ्यूचर को डिनोट करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है? अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से यूज कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो आपका जो टास्क है, जो भी आपका काम होने वाला है, वो होगा पक्का। ठीक है, डेफिनेटली दैट वर्क इज गोइंग टू बी हैपन। और अगर आप सिंपल फ्यूचर टेंस से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो काम है इट इज नॉट डेफिनेट दैट इट इज गोइंग टू हैपन। इट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, ये पक्का है। ठीक है, होगा, किस समय होगा, कब होगा, ऐसा कुछ पक्का नहीं है। और प्रेजेंट टेंस से अगर आप बोलते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अगर आप यूज करते हो दैट आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो, तो ये क्या है, पक्की बात जो आपने कंफर्म कर चुके हो। और मैंने बोला आई विल सी यू टुमारो, इसका मतलब ये है हाँ हो सकता है मैं आपसे मिल सकता हूं। तो दिस इज द डिफरेंस। चलो देखते हैं आगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क की, दैट इज इसके लिए जो दो वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, विल और शैल। विल को आप यूज करते हैं किसके साथ, ही शी इट दे, इनके साथ, और कोई भी दो नाम, कोई भी नाम। ठीक है, और यू के साथ आप यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा लिख लेते हैं, वाई बिकॉज देयर आर सो मेनी नेम्स इन दिस वर्ल्ड। शैल का यूज अगर हम करते हैं तो आई और वी के साथ शैल का हम यूज करते हैं। ये जो रूल है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो चुका है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। और डायरेक्ट स्पीकिंग में भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो इट गिव्स ग्रेट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू यू दैट यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन अ करेक्ट मैनर। ओके, तो ही शी और इट, ये क्या है, थर्ड पर्सन। दे क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल फॉर्म में। यू की बात करते हैं सेकेंड पर्सन है, उसके साथ आप विल यूज करते हैं। शैल की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, आई के साथ, और उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है, वी, उसके साथ आप यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं इसकी कैसे लिखते हैं हम लोग, आई विल, यू विल, राइट, वी शैल। तो इसीलिए जब आप देख रहे हैं यहां पे चीज देख रहे हैं एक जैसी हो रही है देखने में ना, तो इसी के चक्कर में आगे जाके क्या हुआ कि इसको एक जैसा आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, अभी हम आते हैं इसकी फॉर्मेशन में। आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, सेंटेंसेस भी बनाएंगे और एक एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट टू। सबसे पहले चीज सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या होता है, वही चार चीज, कौन सा होता है, अफर्मेटिव की अगर बात करूं तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। आपको जानकारी होगी सब्जेक्ट के बारे में, अगर नहीं है तो आप हमारा टॉपिक देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट। फ्यूचर को डिनोट करने के लिए हम लोग विल और शैल का यूज करेंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, जो काम उसने किया उसके लिए, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, वेरी इजी, आई शैल मीट यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। दे विल कम टुमारो,
वे लोग कल आएंगे, फ्यूचर को डिनोट करने के लिए, ठीक है। ये मत लिख देना कि दे विल कम यस्टरडे, यस्टरडे तो पास्ट होता है, गलत हो जाएगा। जो भी चीज होगी आज के टाइम को छोड़ के आगे की टाइम की बात करनी है, पास्ट की बिल्कुल भी नहीं करनी है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, देखने में क्या लगती है, हंसी मजाक लगती है, लेकिन हो जाती है भाई कभी कभी, ठीक है। और कोई बना सकते हैं, देखिए मेरे दोस्त ही से भी बना लेते हैं, ही विल गो टू आगरा। मैंने क्यों बनाया ये, देखो आई का इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि आई के साथ आपको शैल यूज करना है, वी के साथ आपको क्या यूज करना है, वी के साथ आपको यूज करना है शैल। चलो वी का भी बना लेते हैं दोस्त, वी शैल डू दिस वर्क टुगेदर, ये काम हम कल या जब भी साथ करेंगे, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर की बात आती है तो क्या होगा, आपका सेंटेंस एंड होगा किससे होगा, गा कुछ मत कहा मेरे भाई, गे ओफो ये तो हंसी की बात होगी, और गी आपका सेंटेंस एंड होता है हमेशा इन चीजों से, ठीक है। गा गे गी, ठीक है, करेगा, खाएगा, सोएगा, रोएगा, दीज आर द थिंग्स विच इज गोइंग टू बी यूज्ड। नेक्स्ट नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव में देखें तो क्या होगा, सेम चीज क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल तो आना ही है, प्लस क्या लगाए साथ में बताओ, इतनी वीडियोस में आपने देखा है क्या लगा सकते हैं, विल ही नॉट तो क्या आ रहा है, क्या ही विल नॉट क्या आएगा, नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट, नेगेटिव का राजा कौन है, नॉट, प्लस सेम चीज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, सिंपल। बस एक बार सारे बना लोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, जब ये छोटी सी चीजें आप सीख जाओगे ना तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अनडिफीटेबल, आपको मजा आएगा बोलने में, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस क्या बना सकते हो आप। देखो भैया कुछ बना सकते हो, बनाओ, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या हो सकता है। आई शैल नॉट बाय अ टीवी, शैल और विल का यूज आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा, इसीलिए मैंने बुक्स के बिहाफ पे, ठीक है, बुक्स को कंसिडर करते हुए इनका यूज आपको बताया, अदरवाइज आई वुड बी टेलिंग यू ओनली विल। और विल का यूज अगर आपको आता देन यू विल बी कंफ्यूजिंग कि यार भैया शैल का यूज कहाँ पे होता है, तो ये यूज समझ लो, क्योंकि जब आप इसको डिटर्मिनेशन पक्का इरादा या आप थ्रेटनिंग की बात करते हो तो आप इनको इंटरचेंज करते हैं, वो आगे बताएंगे जब मॉडल्स हम पढ़ेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल टू देखते हैं क्या लगा है भाई, राम विल मीट राकेश टुमारो, राइट इसमें क्या कमी है, कुछ कमी नजर आ रही है, देखते हैं। राम विल नॉट मीट, क्या राम नहीं मिलेगा, तो नेगेटिव की पहचान क्या है, नॉट लगाना है आपने। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव अब हम पूछेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, तो क्वेश्चंस की शुरुआत किससे होगी, विल शैल आगे लगाएंगे, और जब भी आप बिगिन करें तो कैपिटल से शुरू करा करें, ठीक है, सेंटेंस की बिगनिंग जो होनी चाहिए कैपिटल से शुरू होनी चाहिए, विल प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली तो विल और शैल लगेगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, इजी। देखो भाई फिर से देखते हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वंस यू आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इंप्लीमेंट, पता भी नहीं चलता है दैट योर सेंटेंस आर गोइंग टू बी वेरी करेक्ट, वेरी इजी फॉर यू, ओके। गुड और बैड इंग्लिश कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, सही और गलत होती है इंग्लिश, या तो सही बोलोगे या तो गलत बोलोगे, whether it will be correct or incorrect, good or bad is nothing, और knowledge को जितना enhance करोगे उतनी vocabulary बढ़ती जाएगी, आगे वो session भी आने वाले हैं। Will shall plus subject plus verb first form plus object, example will you marry me, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, हट बागेंस, शैल आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम करूं,
तो दीज आर द थिंग्स। और अगर आप चाहें कि आपके लिए कुछ इंग्लिश या हिंदी का ट्रांसलेशन मिले तो कमेंट करें भैया। नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करते हैं, वेरी सिंपल अगेन, टॉपिक इज गोइंग टू बी फिनिश्ड नाउ, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। हाँ बुक देखो, काफी इजी हो गया है नोटबुक में लिखने से। अब मैं आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कस कर सकता हूँ, कोई चीज बीच में आएगी तो बैठे बैठे आराम से काम हो जाएगा। अदरवाइज वी हैव टू चेक इन द बुक, देन वी हैव टू राइट ऑन द बोर्ड। सामने बुक रखेंगे, आपके सामने बुक आएगी, उसको हम हिंदी में रीड करेंगे, सामने आपके पास टेक्स्ट मटेरियल होगा, आंसर जो होंगे मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, जो मुझे टिपिकल लगेंगे, कुछ आपके लिए भी छोड़ेंगे ताकि आप उनको लिख सके, ठीक है। देखो विल प्लस शैल लगा देते हैं हम लोग, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना होता है, ठीक है। विल दे Not meet us, क्या वो हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। Shall Rakesh will not learn anything, क्या राकेश कुछ भी याद नहीं करेगा या नहीं सीखेगा। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म को देखो भाई, will प्लस नॉट को हम बोलते हैं want, ठीक है, और shall प्लस नॉट को बोलते हैं shan't, क्या बोलते हैं shan't। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट जो हमने किया। सामने आ गई नोटबुक, सिंपल फ्यूचर किसको डिनोट करता है, जो चीजें फ्यूचर में हो रही होती है उसको डिनोट करता है। विल के साथ आप ही शी इट दे यू एक्सेट्रा, मतलब जितने भी चीजें सब्जेक्ट उनके साथ आप विल यूज कर सकते हैं, शैल आप आई वी के साथ यूज कर सकते हैं। हिंदी में आपके सेंटेंस जो खत्म होते हैं उनके पीछे गा गेगी, खाएगा सोएगा रोएगा रोएगी, ये यूज होता है। अफर्मेटिव की फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, आई शैल मीट यू टूमोरो, दे विल मीट, they will come tomorrow, he will go to Agra, we shall do this work together। negative में बस कुछ नहीं करना होता है, affirmative की जगह में जो formation थी उसमें बस आपको not add कर देना है, it will be negative sentence। example आपके सामने रखे हुए हैं। interrogative की बात करते हैं, will shall plus subject plus verb first form plus object, इसके formation थोड़ी बहुत आप रट लेना। देखो these formations are important, देखने में बहुत बेसिक चीज है भाई पर सीखनी पड़ेगी। negative interrogative की बात करते हैं, will shall plus subject plus not प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन आपको याद करनी है। दिस वन एंड दीज टू वंस जो मैंने आपको बताई है, दिस एंड वेयर इज द नेक्स्ट लास्ट वन, दिस वन, ठीक है। ये चारों की चारों फॉर्मेशन याद करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ फ्यूचर टेंस ताकि आपको और एग्जाम्पल्स मिल जाए और आपको और क्लियर हो जाए। अब हम बनाते हैं सेंटेंसेस। एक सेंटेंस में आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं जैसे कि मैंने आपको रूल्स समझाए हैं, फिर उसको मैं बाकी के सेंटेंसेस को मैं वर्बली आपको बता दूंगा, और आपका काम यह है कि वीडियो में देखकर एक एक करके आप उन सेंटेंसेस को लिखें और एनालाइज करें कि सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का एक्चुअली में यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप खुद जान जाएंगे कि इंप्लीमेंट करने से कितना आसान हो जाता है बोलना और आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो जाती है, ठीक है। चलो दोस्तों, पहला सेंटेंस क्या है, मैं कल बाजार जाऊंगा, इसको देखते हैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं का इंग्लिश क्या होगा आई, फ्यूचर के लिए हम देखो जाऊंगा क्या है, फ्यूचर को डिनोट कर रहे, तो फ्यूचर के लिए हम क्या रखेंगे, आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था शैल आएगा। अगर आप विल भी लगाते हैं तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विल का यूज फिर हो जाएगा डिटर्मिनेशन में। डिटर्मिनेशन मतलब होता है पक्का इरादा, आई विल गो टू मार्केट, ठीक है। तो आई विल की जगह तुम क्या लगा रहे हैं, आई शैल, अकॉर्डिंग टू द रूल जो बुक में दे रखा है। जाऊंगा, जाऊंगा के लिए क्या आएगा, वर्ब है ना, जाऊंगा तो क्या आएगा, आई शैल गो, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे थे हम लोग। कब जाऊंगा, आई शैल गो, कहां जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, टू मार्केट। कब जाऊंगा भैया, कल जाऊंगा तो क्या आएगा,
टुमारो क्या आएगा, टुमारो। इजी सेंटेंसेस आर वेरी इजी, वंस यू नो हाउ टू मेक इट, इट बिकम्स वेरी इजी, फॉर्मेशन से बहुत इजी हो जाता है। देखो सब्जेक्ट शेल, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या आ गया ऑब्जेक्ट, हो गया सारी रूल आ गए, सारा फॉर्मेशन आ गया। अब बाकी के सेंटेंस देखते हैं हम लोग। विमला भोजन पकाएगी, विमला विल कुक फूड। वह यह काम आज नहीं करेगा, ही विल नॉट डू दिस वर्क टूडे। हम आज आम खाएंगे, वी क्या लगाए, वी विल ईट मैंगो टूडे, मैंगोज टूडे। ठीक है, वह जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर। वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। तुम कल स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। और कल लगा तो क्या, टुमारो, यू विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं फुटबॉल खेलूंगा, आई विल प्ले फुटबॉल। हम रात को सोएंगे, वी विल स्लीप एट नाइट। और यू कैन यूज द नाइस वर्ड एट नाइट के लिए टुनाइट। ठीक है, वह आज शाम को घूमने जाएगा, ही विल गो बताओ क्या होगा, शाम को घूमने जाएगा, शाम को घूमने जाने के लिए हम लगा सकते हैं आउटिंग वर्ड। क्या लगा सकते हैं, आउटिंग, ही विल गो ऑन आउटिंग टुडे। ठीक है, ही विल गो फॉर द आउटिंग इन द इवनिंग। कब जाएगा, ही विल गो फॉर द आउटिंग इन द इवनिंग, राइट। हम, वह कल आ सकता है, ही मे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, ही विल कम टुमारो, सही है, आप ये भी लगा सकते हैं, ही मे कम टुमारो भी लगा सकते हैं। वर्षा हो सकती है, इट मे रेन भी यूज हो सकता है इसकी जगह पे, विल की जगह पे। ठीक है, उसके बाद राम कल अवश्य आएगा, राम विल डेफिनेटली कम टुमारो। ठीक है, या राम विल कम टुमारो डेफिनेटली, आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। क्या वह चाय नहीं लेगा, विल ही नॉट टेक टी, क्योंकि पीने के लिए आप ड्रिंक लगाते हैं, यहाँ पे जनरली क्या होता है, चाय लेंगे। क्या आप जनरली आप किसी से पूछते हो, क्या बोलते हैं, आप चाय लेंगे, तो क्या वह चाय नहीं लेगा, विल ही नॉट टेक टी, या क्या वह चाय लेगा, ठीक है, विल ही टेक टी। क्या सीता तुम्हें पत्र नहीं लिखेगी, विल सीता नॉट राइट अ लेटर टू यू। वह कल मैच नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले मैच टुमारो। क्या हर्ष पढ़ाई नहीं करेगा, क्या बना है इसका, विल हर्ष नॉट स्टडी। क्या तुम कार ठीक नहीं करोगे, विल यू नॉट मेंड, ठीक करने को क्या बोलते हैं, मेंड, M-E-N-D, मेंड, विल यू नॉट मेंड द कार। क्या सीता खाना नहीं बनाएगी, विल सीता नॉट कुक फूड। समझ में आया, तो आपका काम है इन सेंटेंसेस को लिख के प्रैक्टिस करना और चेक करना कि फॉर्मेशंस इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखें, आगे वीडियो को शेयर करें और भाई को सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।